बीएससी थर्ड ईयर पेपर सेकंड। आज का हमारा टॉपिक है एब्जॉर्प्शन। पौधों में जल अवशोषण एक विशिष्ट ऑर्गन्स द्वारा होता है। फंजाई और एल्गीज के अंदर ये जल अवशोषण सभी प्रकार की सेल्स द्वारा होता है, लेकिन जितने भी जलोद्भिद पादप हैं उनमें जल अवशोषण सामान्य जनरली सरफेस सेल्स द्वारा होता है। लिवर्टवर्ट और मॉसेस में ये यूनिसेल्युलर और मल्टी सेल्युलर राइजोइड्स के द्वारा होता है। इसी प्रकार के टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स में वाटर एब्जॉर्प्शन का कार्य रूट के द्वारा किया जाता है। एब्जॉर्प्शन का जो कार्य जो इम्पोर्टेंट किया जाता है वो किया जाता है रूट्स के द्वारा। रूट्स में पाए जाने वाले रूट हेयर्स इसका सबसे इम्पोर्टेंट ऑर्गन होता है। ये कैपिलरी यानी केशिका जल के रूप में जल का अवशोषण करते हैं। जड़ों में 0.5 सेंटीमीटर से लेकर 10 सेंटीमीटर तक अपर पार्ट में एक्टिव एब्जॉर्प्शन की क्रिया होती है। इसी प्रकार इसके मेरिस्टमेटिक यानी विभिज्योतकी भाग में सूक्ष्म मात्रा में जल अवशोषण की प्रक्रिया होती है, क्योंकि यहाँ पर इस रीजन्स के अंदर सेल में पाए जाने वाला जो प्रोटोप्लाज्म होता है वो बहुत ज़्यादा कंडेंस होता है यानी कि संघनित होता है। संबंध ऊतक में विभेदित नहीं होता है और ऊतक में विभेदित नहीं होता है। इस क्षेत्र में इस एरियाज के अंदर अपर पार्ट में जल तेजी से एब्जॉर्ब होता है, क्योंकि उसमें जाइलम सेल्स जो पाई जाती है उसमें लिग्निन और एंडोडर्मिस में सेल्स में सुबेरिन्स का इसमें डिपोजिशन जो है वो कम मात्रा में होने के कारण जो जल का प्रतिरोध कम सहन करना पड़ता है, जिसके कारण एब्जॉर्प्शन की जो प्रोसीजर होती है इस पार्ट के अंदर तेज हो जाती है। रूट हेयर्स वाले पौधों के अंदर एब्जॉर्प्शन केंद्रीय मेल संरचना है। रूट हेयर्स आउटर सेल में प्रेजेंट्स होती है। ये एक प्रकार की ट्यूबुलर लार्ज स्ट्रक्चर होती है जो कि एब्जॉर्प्शन का सरफेस को इंक्रीज करती है। रूट हेयर्स की आउटर सरफेस पर पेक्टिन पाया जाता है तथा इनर सरफेस पर सेल्युलोज की बनी होती है। ये इनर लेयर जो है वो एंडोस्मोसिस यानी अंतःशोषण द्वारा जल को अवशोषित करने का कार्य करती है। रूट हेयर्स के साइटोप्लाज्म में लार्ज वैक्यूल्स प्रेजेंट्स होती है जिसमें कोशिका रस भरा रहता है। प्लांट सेल की एज बढ़ने पर रूट हेयर्स में लिग्निफिकेशन और सुबेराइजेशन हो जाता है, जिससे इसमें ये एज बढ़ने पर सुबेराइजेशन हो जाने पर इसमें एब्जॉर्प्शन की क्रिया में धीमे धीमे कमी आने लगती है। प्लांट्स के अंदर लेंटिकल्स यानी वात घाव यानी वुंड्स के द्वारा भी वाटर एब्जॉर्प्शन की क्रिया कम्प्लीट होती है। डायग्राम में अगर देखें तो हम यहाँ पर डायग्राम को हमने जो कि रूट टिश्यू डिफरेंशिएशन रिलेटेड टू वाटर एब्जॉर्प्शन, जड़ ऊतक विभेदन जो जल अवशोषण क्षेत्र से संबंधित है, रूट हेयर्स के ऊपर सबसे पहले रूट के ऊपर रूट कैप प्रेजेंट्स होती है, उसके बाद रूट का शीर्ष जो कि एक मेरिस्मेटिक रीजन जहाँ पर पाई जाने वाली जो कोशिकाएँ होती है उसका जीव द्रव्य कैसा होता है कंडेंस होता है, तो यहाँ पर ये इम्परमिएबल होती है फॉर वाटर। इसी प्रकार इससे ऊपर वाले पार्ट पर जैसे जैसे हम जाएंगे यहाँ पर जाइलम का विभेदीकरण होने शुरू हो जाता है, तो यहाँ पर वाटर की तो स्लो एंट्रेंस होती है। वो इसके जाइलम विभेदित होने के कारण इसके पास वाली कोशिकाएँ कॉर्टेक्स में और इसके अंदर वाली कोशिकाएँ स्टील के अंदर। अगर हम इसका सेक्शन देखते हैं रूट का तो रूट के सेक्शंस के अंदर हमको एपिडर्मिस, कॉर्टेक्स और फिर स्टील का शो हम करते हैं, दिखाई हमें देती है सेक्शन में। तो यहाँ पर जो स्टील अपर रीजन होता है उस अपर रीजन्स के अंदर रूट हेयर्स प्रेजेंट्स होते हैं, जो कि यहाँ पर इस एरिया के अंदर जहाँ पर रूट हेयर प्रेजेंट्स होते हैं बहुत तेज़ी से जल अवशोषण की प्रक्रिया कंप्लीट होती है। रूट हेयर की स्ट्रक्चर को देखें तो रूट हेयर्स जो है वो एक इपिब्लेमा यानी कि
ऊपरी परत, जड़ की ऊपरी परत के अंदर, जैसे कि इपिडर्मिस होती है, स्टोमेटा में इपिडर्मिस कहलाती है, वैसे ही जड़ के अंदर ये इपिब्लेमा कहलाती है। उस इपिब्लेमा रीजन से रूट हेयर्स का ये एक आउटग्रोथ के रूप में डेवलपमेंट होता है। इसकी आउटर वॉल जो होती है वो पैक्टिन से, और इनर वॉल जो होती है वो सेलुलोज से मेड होती है। उसके अंदर एक बड़ी लार्ज वैक्यूल्स प्रेजेंट होती है, और इसके अंदर जो प्रोटोप्लाज्म होता है रूट वो कंडेंस होता है। इस प्रकार रूट हेयर्स की ये स्ट्रक्चर्स फॉर्म होती है। रूट हेयर्स की इपिडर्मिस या से इंडोडर्मिस तक जल तीन चैनल्स या तीन वे से मूवमेंट करता है। सब उन चैनल्स को तीन भागों में बांटा गया है। उनके नाम है एपोप्लास्ट, ट्रांसमेम्ब्रेन और सिम्प्लास्ट। ये पाथवे कहलाते हैं। सबसे पहले जिसके हम बारे बात करें तो वह है एपोप्लास्ट क्या है। एपोप्लास्ट के अंदर जो जल होता है वो केवल सेल वॉल के द्वारा मूवमेंट करते हैं, और ये सेल वॉल तथा इंटरसेलुलर स्पेस के द्वारा ये कंटिन्यूस सिस्टम में होती है। दूसरा है कि इसमें जो जल है जो सेलुलरी पाथवे के द्वारा कोशिकीय परिपथ द्वारा भी मूवमेंट करता है। इसमें ट्रांसमेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। इसमें जल एक सेल की मेम्ब्रेन द्वारा गति करता है, एक सेल से दूसरी सेल में, और उन दोनों मेम्ब्रेन्स के बीच में जो कनेक्शन पाया जाता है वो उसके उसको हम प्लाज्मोडेस्माटा कहते हैं। तीसरा सिस्टम आता है इसमें सिम्पॉड। सिम्पॉड ये रूट एपेक्स में मूल के शीर्ष भाग में प्रेजेंट होता है, जो मैचुरेशन एरिया कहलाता है। वाटर ट्रांसपोर्ट जो होता है कॉर्टेक्स से इसमें डायरेक्ट जाइलम्स में चला जाता है सिम्पॉड एरिया के अंदर। एपोप्लास्ट एरिया के अंदर रूट हेयर से इपिब्लेमा तक जाता है। सिम पार्ट के अंदर ये कॉर्टेक्स स्टील में होता हुआ ऊपर की ओर जाइलम तक जाता है। इस प्रकार यहाँ पर सिम्प्लास्ट को कहा गया है। जब इस एरिया के अंदर जल को कम प्रतिरोध सहन करना पड़ता है, जबकि जो मैच्योर एरिया होता है उसके अंदर ज़्यादा रेजिस्टेंस पावर उसको सहन करनी पड़ती है, क्योंकि इंडोडर्मिस जो होती है उस इंडोडर्मिस की रेडियल वॉल पर सुबेरिन और कैस्पेरियंस की स्ट्रिप्स पाई जाती है, जो कि वाटर सोल्यूट के लिए बैरियर यानी अवरोधक का कार्य करती है। यहाँ पर सिम्पार्ट पाथवे ये जो के द्वारा वाटर एब्जॉर्प्शन की क्रिया कंप्लीट होती है। इसी प्रकार यहाँ पर रूट हेयर से जाइलम तक वाटर जो है वो एब्जॉर्प्शन का प्रोसेस होता है, और इस दौरान यहाँ पर वाटर पोटेंशियल ग्रेडियंट यानी जल विभव दाब प्रवणता इसका कारण होता है। रूट जाइलम टिश्यू और स्टेम जाइलम टिश्यू आपस में कनेक्टेड होते हैं, जिसके की कारण वाटर का पूरा फ्लो बना रहता है। इसके लिए क्रेमर ने 1949 में अवशोषण की प्रक्रिया को समझाया था। इस तरह से इस अवशोषण की प्रक्रिया को हम दो प्रक्रियाओं के द्वारा समझ सकते हैं, जिसे हम एक्टिव वाटर एब्जॉर्प्शन यानी सक्रिय जल अवशोषण और निष्क्रिय यानी पैसिव वाटर एब्जॉर्प्शन की प्रक्रिया के द्वारा समझ सकते हैं। सक्रिय वाटर एब्जॉर्प्शन प्रोसेस के अंदर जो प्रेशर है वो रूट में डेवलप होता है, और इसमें एनर्जी की आवश्यकता होती है, जबकि जो पैसिव वाटर एब्जॉर्प्शन होता है उसमें प्रेशर की उत्पत्ति स्टेम यानी प्ररोह में होती है। एक्टिव वाटर एब्जॉर्प्शन की तीन प्रोसेस होती है। पहली उसको बोलते हैं परासरणीय सक्रिय अवरोधक यानी ऑस्मेटिक एक्टिव एब्जॉर्प्शन, दूसरी है वैद्युत परासरणीय यानी इलेक्ट्रो ऑस्मेटिक एब्जॉर्प्शन, और तीसरी है नॉन ऑस्मेटिक। अटकिंस 1916 पृष्ठ 1922 के अकॉर्डिंग ऑस्मेटिक वाटर एब्जॉर्प्शन सॉइल वाटर और सेल सैप में कोशिका रस के बीच में एक ऑस्मोटिक प्रेशर के अंदर डिफरेंस के कारण ओरिजिनेट होता है, जिसमें सॉइल वाटर का ऑस्मोटिक प्रेशर
वन एटमॉस्फेयर से कम होता है, जबकि जो सेल सैप होता है उसमें डिफ्यूजन प्रेशर डिफेक्ट यानी विसरण दाब न्यूनता सॉइल वाटर से ज़्यादा होती है। इस कारण जल है वो एंडोस्मोसिस के द्वारा सेल वॉल से सेल मेम्ब्रेन में चला जाता है, सेल मेम्ब्रेन से रूट हेयर्स में और साइटोप्लाज्म में एंटर करता है। इस प्रकार सेल टू सेल में ये कंसंट्रेशन ग्रेडियंट्स सांद्रता प्रवणता के आधार पर इंडोडर्मिस में जाता है, इंडोडर्मिस से यह पेरिसाइकल तक पहुंच जाता है और फिर जाइलम टिश्यूज के साथ ये कनेक्टेड हो जाता है। दूसरा मेथड इसके अंदर है वो है इलेक्ट्रो ऑस्मोटिक एक्टिव एब्जॉर्प्शन, जिसके अंदर इसको मेथड को दिया था कैलर ने 1930 में। इसमें जल के संपर्क में आने वाली जो जाइलम्स वॉल होती है वो नेगेटिवली चार्ज होने के कारण जल इसके अंदर प्रवेश कर जाता है। तीसरा जो मेथड दिया था नॉन ऑस्मोटिक वाटर एब्जॉर्प्शन, ये दिया था क्लार्क और सहयोगियों ने 1936 में। इसके अंदर जल का जो एक्टिव एब्जॉर्प्शन होता है वो फ्री मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ के कारण होता है। ये एनर्जी जो होती है वो प्लांट के रेस्पिरेशन से उसको प्राप्त होती है। यहाँ पर अगर हम बात करें तो अब पैसिव दूसरे वाले स्टेप में, जिसमें निष्क्रिय अवशोषण जल अवशोषण की बात करें तो वो पैसिव वाटर एब्जॉर्प्शन है, जिसमें जल जो है वो वाष्प बनता है, जिससे पत्ती की जो सेल्स होती है उसका वॉल्यूम्स में कमी आ जाती है, उसका टर्जिट प्रेशर कम हो जाता है और वाटर एब्जॉर्प्शन कर लेती है। और जाइलम में सेल में सेकेंडरी थिकनिंग्स होने के कारण जो है वाटर लॉस होने के बाद भी ये अपनी स्थिति को बनाए रखती है, जिसके कारण जाइलम सैप का डीपीटी बढ़ जाता है और टर्जिट प्रेशर जीरो हो जाता है। इस टेंशन को कम करने के लिए जाइलम सेल्स रूट हेयर से वाटर को एब्जॉर्ब करती है और इस प्रकार ये एपोप्लास्ट सेल वॉल और इंटरसेलुलर स्पेस तथा सेम प्लास्ट में ये इंडोडर्मिस से आउटर कॉर्टेक्स तक पहुंचता है। इस प्रकार ये वाटर एब्जॉर्प्शन की प्रोसेस कंप्लीट होती है। चित्र में दिखाए अनुसार।